हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है एगलेस डार्क चोको केक। ये बिना अंडों का एक बहुत ही सॉफ्ट सा डार्क चॉकलेट केक है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एगलेस डार्क चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने लिया है ये करीब 240 ग्राम्स मैदा। इसको आप एक छन्नी में ले लीजिए क्योंकि हम सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अभी छानेंगे। तो 240 ग्राम्स मैदा के साथ ही हम ले रहे हैं 5 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसको भी आप इसी के साथ ले लीजिए, मैदे के साथ ही। तो ये हमने ले लिया 5 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब हम ले रहे हैं करीब 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है उसको आप नाप के 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लीजिए। ये हमने डाल दिया 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही में हम लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसके साथ और हम लेंगे 1 पिंच सॉल्ट। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हमें एक साथ सीव करना है। इसको अच्छे से सीव कर लीजिए जिससे केक में अच्छे से फ्लफी हो जाता है ये, और ये इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने सीव कर लिया है। अब हम लेंगे एक बोल में करीब 250 ग्राम्स कैस्टर शुगर, जो पिसी हुई चीनी है उसको हम 250 ग्राम लेंगे। और चीनी के साथ में हम डालेंगे करीब 1.5 कप कोल्ड वाटर, जो नॉर्मल से कोल्ड वाटर होता है उसको आप ले लीजिए। कोल्ड वाटर डालने के बाद हम इसको 20 से 30 सेकेंड्स तक बीट करेंगे। अगर आप हैंड बीटर से कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, तो उसको करीब 2 मिनट तक आप बीट करिए। इसको हमने बीट कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे 1/2 कप मेल्टेड बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है, जो वाइट बटर आता है, इसको हमने मेल्ट करके इसके अंदर डाल दिया है। गर्म नहीं करना है, हल्का सा इसको बस मेल्ट करना है। और ये भी डालकर हम 20 से 30 सेकेंड्स तक इसको बीट करेंगे जिससे ये सारा कुछ बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही में हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस, नींबू का रस है ये जो मैंने डाला है इसमें। और इसके साथ ही में आप डाल दीजिए 2 टीस्पून वेनिला एसेंस, या जो भी एसेंस आप प्रिफर करते हैं उसको आप डाल सकते हैं। और इसके बाद हम 20 से 30 सेकेंड्स तक इसको फिर बीट करेंगे। बीट करने के बाद जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको फिर से हम बीट करेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा डालिए, एक साथ डालने पर सारा ये बाहर निकल आता है। इसको डालकर आप बीट कर लीजिए। फिर से हम थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर डालेंगे, 2 से 3 बार में डालकर आप इसको बीट करते रहिए 10 से 20 सेकेंड्स तक। तो इस तरह का बीट करने के बाद ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। सारा कुछ मिलाने के बाद आप 10 से 20 सेकेंड्स तक इसको और बीट करिए। डिश को हम ग्रीस करेंगे। इसको मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ और मैदे से थोड़ा इसको मैं डस्ट कर रही हूँ। डस्ट करने के बाद ये सारा जो बैटर है हम इसको ग्रीस्ड टिन जो है हमारा, या ग्रीस्ड ट्रे है, उसमें हम इसको डाल देंगे। ये हमारा सारा बैटर एकदम तैयार है, केक बेक होने के लिए तैयार है। तो अब हम केक को प्रीहीट करेंगे 220 डिग्रीज पर 10 मिनट के लिए, और केक को लगा देंगे बेक करने के लिए 180 डिग्री से करीब 30-40 मिनट्स के लिए। तो आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं इसको, अवन वाली सेटिंग पे। यहाँ मैं OTG पे बना रही हूँ। इसमें मैंने प्रीहीट कर लिया है अवन को 220 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए, और अब मैं अपनी डिश को रखूँगी और बेक करूँगी 180 डिग्री पे। तो ये केक हमारा करीब 40 मिनट्स के लिए बेक हो गया है, और मैंने नाइफ डाल के इसमें देखा ये बिल्कुल क्लीन निकल आया है। तो इस टाइम पे ये केक हमारा बिल्कुल तैयार है। इतना सॉफ्ट सा ये एगलेस केक बना हुआ है। इसको ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसको निकालें। तो ये हमारा केक ठंडा हो गया है, इसको आराम से आप इसको निकाल लीजिए। देखिए कितना एकदम डार्क चॉकलेट स्पॉन्जी सा केक बना हुआ है, और ये बिल्कुल एग वाले केक जैसा ही बनता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको आप इस समय पर निकाल लें और ठंडा होने के बाद ही काटें। इसका स्पॉन्ज देखिए कितना स्पॉन्जी सा ये चॉकलेट केक बना है। उसके बाद नाइफ लेके आप इसको आराम से काटिए। आपको जैसे भी शेप्स इसमें देने हैं, ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, आप केक को काट सकते हैं।
तो आराम आराम से केक के पीसेस काट के, और ये केक को आप 2-3 दिन तक बाहर ही रख भी सकते हैं, फ्रिज में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। कोई भी केक आप फ्रिज में ना रखें, 2-3 दिन तक बाहर रख के ही उसको खाएं। तो ये देखिए हमारा ये जो पीस कटा है ट्रायंगुलर, इतना सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा हमारा ये चॉकलेट केक एकदम तैयार हो गया है। आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका स्पॉन्ज एकदम वापस आ जाता है, और एकदम डार्क चॉकलेट केक है, बहुत ही पसंद आता है। मॉइस्ट सा एकदम चॉकलेट केक हमारा तैयार है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। ये सारे केक के मैंने पीसेस काट लिए हैं, देखिए सारा ही केक अंदर तक से ये अच्छे से स्पॉन्जी हो गया है, ज़रा सा भी इसमें कोई हार्डनेस नहीं है। तो इस तरह आप चॉकलेट केक एगलेस बनाकर और सबको खिलाएं।